उन सहाबा किराम में से एक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ते के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी किराम में से वही के लिखने वाले सहाबा किराम में से हज़रत अमीर मुआविया कातिबी वही में से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्म जअलहु हादियम महदिया, मौलाए करीम अमीर मुआविया को हादी बना दीजिए, मेरे इस्लाम के लिए हिदायत का ज़रिया बना दीजिए। अज़ीज़ान मुहतरम, एक मरतबा एक यहूदी आता है, एक यहूदी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार में आता है, उसके खिदमत में हाजिर होता है और एक सवाल कर देता है। ये आम तरीक़ा है, यहूदी जब भी मिलता है मुसलमानों पर सवाल करते रहते हैं ताकि मुसलमान उससे आजज़ आकर के यहूदी अपनी यहूदियत का और अपने गालिब होने का ऐलान कर दे। एक यहूदी आता है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खिदमत के अंदर, अमीर मुआविया से कहता है, मैं आपसे सवाल करूंगा, अगर आपने इन सवालों का जवाब दे दिया तो मैं आपके सामने इस वक्त मुसलमान हो जाऊंगा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आप सवाल करते जाइए, इंशाअल्लाह जवाब अल्लाह के फजल से आपको मिलता रहेगा। उस यहूदी ने कहा, वो चार चीज़ें वो आप मुझे बता दे, जो वो चार चीज़ें कौन सी है जो खुद जानदार है, सांस लेने वाले हैं और रूह वाली चीज़ें हैं, लेकिन उनकी पैदाइश किसी जानदार के पेट से नहीं हुई है, किसी जिरूह के पेट से नहीं हुई है, खुद सांस लिया है, खुद हरकत कर चुके हैं, खुद जानदार है लेकिन किसी जानदार के पेट से पैदा नहीं हुई है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो चार चीज़ें आप अपने शर्त पर कायम हो, अगर वो चार चीज़ों का मैं जवाब दे दूँ तो ईमान लेकर के आओगे। फरमाया, हाँ, कहने लगे, हाँ मैं ईमान लेकर के आ जाऊँगा। अगर आपने इन चार चीज़ों का जवाब दे दिया, वो चार चीज़ें कौन सी है जो खुद जानदार है, जानदार के पेट से पैदा नहीं हुए। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सुन लो फिर, नंबर एक, पहली वो चीज़ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हाथों से पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत के अंदर बना कर की मिट्टी से बना कर की उसी के अंदर रूह पोंका, अपने खुन से उसके अंदर रूह पोंके, वो जानदार है, ज़िरूह है और ज़िंदगी गुजारी है और अल्लाह तबारक व ताला के इन पैदा करद इंसानों में सबसे पहले बशर है, जानदार है लेकिन किसी जानदार के पेट से पैदा नहीं हुए। यहूदी ने कहा, बिल्कुल सही, अगली चीज़ बताइए। दूसरी चीज़ के बारे में अमीर मुआविया इरशाद फरमाते हैं, दूसरी चीज़ बता देता हूँ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, अपने बेटे को ज़बह कर दो, अब अपने बेटे को ज़बह कर दो। अल्लाह के अल्लाह के हुक्म पर ज़बह करने के लिए तैयार हो गए, मीना के अंदर चले गए ज़बह करने के लिए, इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए हैं। उसी वक़्त अल्लाह तबारक व ताला ने इस्माईल ज़बीहुल्लाह के बदले में जो मेंढा आसमानों से भेजा था, जो दुम्बा आसमानों से आकर के और ज़बह हो गया, वो मेंढा और वो दुम्बा अगर जो जानदार है, ज़रूर है, सांस लेने वाले है, उन्होंने सांस भी लिया है, जानदार भी था लेकिन किसी जानदार के पेट से पैदा नहीं हुआ है। उसने कहा, यहूदी ने कहा, बिल्कुल सही, तीसरी चीज़ कौन सी है? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तीसरी चीज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन का दरबार है, मूसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फ़िरौन ने जादूगरों को जमा किया हुआ है, जादूगरों ने अपने साथ रस्सियाँ लाई हुई है, उन्होंने कहा हम अपना दाव लगाते हैं या आप अपना दाव लगाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कुछ तुमने करतब दिखाने हैं दिखा दीजिए। उन तमाम जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ फेंक करके उससे सांप बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मुकाबले में अपनी आसा अपनी लाठी ज़मीन पर फेंक दिया, अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उससे एक अजदहा बन गया, एक बहुत बड़ा सांप बन गया। ये बिल्कुल असली हालत में सांप था, सांस लेने वाला, और तमाम के तमाम रस्सियाँ खा गई, सांस भी लिया, जानदार भी है लेकिन किसी जानदार के पेट से पैदा नहीं हुए। यहूदी ने कहा, बिल्कुल सही, चौथी चीज़ कौन सी है? हज़रत
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا تو پھر کان کھول کر سنو، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے صالح علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات کی شرط لگائی کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اس پہاڑی سے ایک زندہ گابن اونٹنی نکال دیجئے اور ہم اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں کہ گابن اونٹنی ہے اور دنیا کے اندر چل پھر رہی ہے اور چراگاہوں کے اندر چرتی پھرتی ہے اور پانی پیتی ہے، ہم آپ پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پہاڑ کی چوٹی سے، اس پہاڑ کی چٹانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ اونٹنی برآمد کر دی، یہ چوتھی چیز ہے۔ اس یہودی نے کہا یہی چار چیزیں ہیں۔ اب امیر معاویہ نے ارشاد فرمایا یہی چار چیزیں ہیں جو خود جاندار ہے لیکن کسی جاندار کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، یہ آپ کا سوال تھا، یہ اس کے چار جوابات تھے۔ یہودی نے کہا ہمارے کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اور ان کے ساتھیوں کی علم کی بلندی، ان کے علم کے بارے میں یہی نشانیاں مذکور ہے، یہی ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے۔ اور پھر کہا میں تجھے گواہ بنا کر کے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہی اسی جگہ پر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔